गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई नेम इज़ विजय गुप्ता एंड यू आर वॉचिंग बायोलॉजी क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर आज मैं आपके सामने आया हूँ एनिमल किंगडम चैप्टर को एक नए सुपर क्लास के साथ स्टार्ट करने, जिसका नाम है सुपर क्लास फिशीज, जिसके अंतर्गत हमने फिशेस को रखा है यानी मछलियों को रखा हुआ है। जैसा कि आप सभी ने मेरे पिछले वीडियो में फाइलम कॉर्डेटा के क्लासिफिकेशन को पढ़ा, आपने जाना कि किस तरीके से दुनिया में जो कॉर्डेट्स हैं, जो हड्डी वाले जंतु हैं, उनको वैज्ञानिकों ने अलग अलग सब फाइलम और उसके बाद फिर अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया, और एक पूरा क्लासिफिकेशन आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया। उसी वीडियो में हमने आपको बताया कि ये जो हमारा फाइलम कॉर्डेटा है उसका एक सुपर क्लास होता है जिसे हम पाइसेस के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसे हम मत्स्य वर्ग कहते हैं, और इसमें रखी गई हैं दुनिया में सारी पाई जाने वाली जो ट्रू फिशेस हैं, वास्तविक मछलियां हैं, उनको हमने इस सुपर क्लास में रखा है। तो सबसे पहले इस वीडियो में मैं बात करूंगा इसके इंट्रोडक्शन की, उसके बाद जनरल कैरेक्टर्स की, और फिर हम बात करेंगे इस वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ सुपर क्लास फिशेस की, यानी कि इसका जो वर्गीकरण है कि दुनिया में जितनी भी फिशेज हैं उनको किस तरीके से वैज्ञानिकों ने क्लासीफाई किया है अलग अलग, इसकी बात भी बात करेंगे। और इसी हमारे सुपर क्लास के एक मेंबर को, जिसका नाम है रोहू फिश यानी कि लैबियो रोहिता इसका साइंटिफिक नेम, उसकी भी बात हम करने वाले हैं इसी वीडियो में एक जनरल आउटलाइन में, और इसी डायग्राम की सहायता से ही हम समझेंगे हमारे जनरल कैरेक्टर्स को। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इस सुपर क्लास स्पाइसेस के इंट्रोडक्शन को। तो पहली बात जो आपको बताई गई है वो है अबाउट 40,000 स्पीशीज, लगभग 40,000 जातियाँ। आपको बता दूं कि ये सबसे बड़ा सुपर क्लास है कॉर्डेटा का, जिसमें इतने सारे मेंबर्स होते हैं। तो दुनिया में 40,000 टाइप्स की फिशेस पाई जाती हैं। नेक्स्ट है इक्थियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फिशेस, मछलियों का जो अध्ययन है उसे इक्थियोलॉजी के नाम से जाना जाता है, यानी कि फिशेस की स्टडी इक्थियोलॉजी कहलाती है। ये कॉम्पिटिशन वगैरह में काफ़ी पूछा जाने वाला पॉइंट है। इसके बाद मैं बात करूंगा जनरल कैरेक्टर्स की। तो जनरल कैरेक्टर्स में जो पहला पॉइंट हमारा है, दैट इज फिशेज आर एक्वाटिक। हम सभी जानते हैं कि मछलियां पानी में होती हैं, जलीय होती हैं, यानी कि ये एक्वाटिक हैं। एक्वाटिक का मतलब जल में पाई जाती हैं, मैराइन और फ्रेश वाटर। अब ये मैरीन वाटर यानी कि समुद्र के जल में भी हो सकती हैं, और फ्रेश वाटर यानी कि नदी, तालाब, झील, जलाशय आदि के जल में भी पाई जा सकती हैं। इसके बाद बॉडी इज स्पाइंडल शेप्ड। आपको बता दूं कि जब कोई बॉडी आगे और पीछे दोनों तरफ से नुकीली है, टैपरिंग है दोनों तरफ से, तो हम कहेंगे इट इज स्पाइंडल शेप्ड, हिंदी में तर्कुरूपी। ऐसा शरीर आप देख सकते हो फिशेस को, आगे से पॉइंटेड है और पीछे से भी एक पॉइंट जैसा बन जाता है लगभग, तो हम कह सकते हैं बॉडी कैसी है, स्पाइंडल शेप्ड है। तो इनकी बॉडी स्पाइंडल शेप्ड होती है, डिवाइडेड इनटू हेड, ट्रंक एंड टेल। और बॉडी मुख्य रूप से तीन पार्ट्स में बटी है। सबसे सामने का पार्ट हेड होता है, बीच में ट्रंक आप देख सकते हो, और जो एंड है वो क्या कहलाता है, टेल कहलाता है। नेक इज एब्सेंट, और इनमें जो नेक यानी कि जो गर्दन होती है वो नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट को देखें तो एंडोस्केलेटन इज बोनी और कार्टिलेजिनस। पिछले टर्म में, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एंडोस्केलेटन का मतलब होता है हमारा अंतः कंकाल, द स्केलेटन विच इज फाउंड इन साइड द बॉडी। हमारे शरीर के अंदर जो कंकाल पाया जा रहा है उसे हम एंडोस्केलेटन या अंतः कंकाल कहते हैं, और ये दो तरह का होता है फिशेज में। अगर ये बोन्स से बना है तो हम कहेंगे कि बोनी एंडोस्केलेटन है, और अगर ये कार्टिलेज से बना है, कार्टिलेज के बारे में मैंने आपको बताया था कि ऐसी स्ट्रक्चर जो बोन से कम हार्ड होती है और फ्लैश यानी मांस से ज़्यादा हार्ड होती है उसे हम कार्टिलेज कहते हैं। मैंने एग्जाम्पल भी दिया था आपको कि लाइक हमारे कान के पास यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो हिस्सा आप देख रहे हो थोड़ा कड़ा सा हिस्सा आपको ये दिखता है, ये कार्टिलेज का बना हुआ एरिया है। तो कुल मिलाकर कार्टिलेज का बना अगर एंडोस्केलेटन है तो हम कहेंगे ये फिशेस कार्टिलेजन्स एंडोस्केलेटन वाली हैं। और दूसरी कंडीशन मैंने आपको क्या बताई कि ये बोनी स्केलेटन वाली भी हो सकती हैं। नेक्स्ट है हर्बीवोरस और कार्निवोरस। कुछ फिशेज हर्बीवोरस यानी शाकाहारी होती हैं, और कुछ फिशेज कार्निवोरस यानी कि मांसाहारी होती हैं, यानी कि अन्य जंतुओं को खाकर अपना जीवन गुजारती हैं। नेक्स्ट इज लोकोमोशन बाय पेयर्ड एंड अनपेयर्ड फिन्स। फिन्स माने होता है इसके पंख जिनसे ये तैर रही है फिश। तो इसके पास लोकोमोशन यानी चलने के लिए जो फिन्स पाए जा रहे हैं, तैरने के लिए फिन्स पाए जा रहे हैं, ये दो तरह के होते हैं, पेयर्ड भी होते हैं यानी जोड़ीदार, एंड अनपेयर्ड बिना जोड़ी के भी होते हैं। चलिए देखते हैं इनको किस तरीके से। अब एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर एक फिश बनी हुई है, दैट इज रोहू लैबियो रोहिता। तो आप देखिए इसमें एक फिन में अगर स्टार्ट करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो फिन है पेक्टोरल फिन।
तो जो पेक्टोरल फिन होगा वो बॉडी के एक इधर आपको दिख रहा है, एक उधर की तरफ भी होगा। तो पेक्टोरल फिन कैसा हो गया? पेयर्ड हो गया, जोड़े में हो गया। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर एक पेल्विक फिन दिख रहा है आपको, ये एक इधर है और एक उधर भी होगा, तो ये भी कैसा हो गया? पेयर्ड हो गया। तो पेक्टोरल और पेल्विक फिन कैसे हो गए? पेयर्ड हो गए। अब कुछ ऐसे फिन्स हैं जिनमें जोड़ी नहीं, सिंगल ही होते हैं। अब देखिए बॉडी में ऊपर की तरफ एक फिन है बॉडी की में डॉर्सल लाइन पर, उसे हम कहेंगे डॉर्सल फिन। ये अकेला होता है तो ये अनपेयर्ड हो गया। इसी तरीके से एनल फिन है और पीछे पूंछ पर एक फिन पाया जाता है जिसे हम काउडल फिन या टेल फिन के नाम से जानते हैं, ये भी कैसा होता है? अनपेयर्ड होता है। तो जितने भी फिन्स हैं इसके पास वो पेयर्ड भी हैं और अनपेयर्ड भी हैं। इन्हीं की सहायता से जो फिशेज हैं वो स्विमिंग करती हैं या लोकोमोशन करती हैं। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, रेस्पिरेशन बाय गिल्स। अब श्वसन करने के लिए या रेस्पिरेशन करने के लिए इनके पास क्या पाई जा रही है? गिल्स पाई जा रही हैं। और गिल्स जो होती हैं वो नेकेड और कवर्ड विद एन गिल कवर। अब या तो ये नेकेड होंगी, नेकेड कैसे हो सकती? लाइक मैं एग्जांपल के तौर पर एक फिश यहाँ पर बना के आपको दिखा रहा हूँ। मैंने आपसे कहा कि ये एक फिश है, हमने मान लिया कि ये हमारी स्कोलियोडॉन है, कोई भी अन्य फिश है। अब इस फिश में आप देख सकते हो यहाँ पर गिल्स की पोजिशन होगी, तो दीज आर द गिल्स। अब ये गिल्स बाहर से ही दिखाई पड़ रही हैं, तो ऐसी गिल्स को हम क्या कहेंगे? दे आर नेकेड और कवर्ड विद एन गिल कवर। लेकिन अगर यहां पर इसकी तरह ये देख सकते हैं कवर लगा हुआ है, उस कवर का नाम क्या है? ऑपरकुलम। ऑपरकुलम कहें या गिल कवर कहें, इसके द्वारा अगर गिल्स ढकी हैं तो ये दूसरी कंडीशन है। तो कुल मिलाकर रेस्पिरेशन गिल्स के द्वारा होता है और गिल्स पर दो कंडीशन है, गिल्स नेकेड भी हो सकती हैं जैसे कि यहां पर आपने देखा, और गिल्स एक गिल कवर के द्वारा ढकी भी हो सकती हैं जैसे हम ऑपरकुलम भी कहते हैं, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो। इसके बाद मैं बात करूंगा नेक्स्ट पॉइंट की, द हार्ट इज टू चैम्बर्ड। इसके हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं? दो चैम्बर होते हैं। आप देखिए हमें पता है कि हार्ट के दो चैम्बर्स हैं, ऊपर वाले चैम्बर को हम ऑरिकल कहेंगे और नीचे वाले चैम्बर को हम वेंट्रिकल कहेंगे। जैसे हमारे हार्ट में, ह्यूमन के हार्ट में फोर चैम्बर्स होते हैं, ऊपर के दो ऑरिकल और नीचे के दो वेंट्रिकल। लेकिन फिशेज में जो हार्ट है वो कैसा है? ओनली टू चैम्बर्ड है, दो ही कक्ष होते हैं, ऊपर वाला चैम्बर ऑरिकल है और नीचे वाला चैम्बर वेंट्रिकल है। इट इज वेनस हार्ट। नाउ ये पहली बार आपके लिए टर्म आ रहा है, वेनस हार्ट। वेनस हार्ट का मतलब क्या है? द हार्ट विच पंप्स ओनली द इम्प्योर ब्लड। ऐसा हार्ट जो केवल अशुद्ध रक्त को ही पंप करता है उसे हम वेनस हार्ट कहते हैं। फिशेज में आपको बता दूं कि जो सर्कुलेशन होता है, जो परिसंचरण होता है, वो सिंगल सर्कुलेशन होता है। सिंगल सर्कुलेशन का मतलब ब्लड केवल एक बार ही हार्ट से गुजरता है, जबकि हम लोगों में क्या होता है, हायर एनिमल्स में, कि जो ब्लड होता है वो दो बार हार्ट से गुजरता है, यानी हमारे पास डबल सर्कुलेशन पाया जा रहा है। लेकिन फिशेज में सिंगल सर्कुलेशन होता है, हार्ट जो होता है वो ब्लड को अपने आप से केवल एक बार गुजरने देता है। और ऐसा हार्ट जो केवल अशुद्ध रक्त पंप करे, इम्प्योर ब्लड को पंप करेगा, उसे हम कहेंगे वेनस हार्ट। नेक्स्ट पॉइंट है, आरबीसीज आर न्यूक्लिएटेड। आपको बता दूं कि आरबीसीज में केंद्रक पाया जाता है। कई ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जिनमें आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, तो उन्हें हम कहते हैं कि वो नॉन न्यूक्लिएटेड हैं। लेकिन यहां पर आप देखिए आरबीसीज कैसी होती हैं, न्यूक्लिएटेड होती हैं, मतलब आरबीसीज में केंद्रक पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक्सक्रीशन बाय किडनीज। यहां पर एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन करने के लिए क्या पाया जा रहा है? किडनीज पाई जा रही हैं, ब्रक पाए जा रहे हैं। और ये एनिमल्स अमोनोटेलिक या यूरियोटेलिक होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई एनिमल अपने एक्सक्रीटरी वेस्ट के रूप में, उत्सर्जी पदार्थ के रूप में अमोनिया निकालता है तो हम कहेंगे ये अमोनोटेलिक है। लेकिन अगर कोई एनिमल अपने उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिया निकालता है तो हम कहेंगे ये यूरियोटेलिक है। तो उत्सर्जी पदार्थ यानी एक्सक्रीटरी वेस्ट के आधार पर हमने एनिमल यहाँ पर आपको बताया दो टाइप के। The animal which secrete ammonia as their excretory waste, that is known as ammonotelic. And if the animal secrete excretory waste urea, then it is known as ureotelic. इसके बाद अगला पॉइंट है, cranial nerves are 10 pairs. पहले तो आप ये जान लो कि what is the meaning of cranial nerves? कपाल तंत्रिकाएं क्या होती है? cranial nerves, हमें पता है कि ये जो हमारा head है इसके अंदर ये सामने का हिस्सा face है और पीछे की ये जो खोपड़ी है इसे हम बोलते हैं cranium. और उसी क्रेनियम के अंदर हमारा ब्रेन सुरक्षित रहता है। लास्ट वीडियो में मैं आपको बताया था, क्रेनिएटर वर्ड यूज किया था। तो ये जो क्रेनियम है, जो नर्व्स हमारी क्रेनियम के अंदर होंगी उन्हें हम कहेंगे क्रेनियल नर्व्स। आपको बता दूं, लाइक मैंने कहा कि हमारी आईज से नर्व्स निकलकर ब्रेन में जाएंगी,
तो हमारी आइज से निकलने वाली नर्व्स क्या हो गई, क्रैनल नर्व्स हो गई। हमने कहा हमारी नाक से जो नर्व्स होंगी वो कहाँ जाएंगी, ब्रेन में जाएंगी। हमारे कानों से जो नर्व्स होंगी वो कहाँ जाएंगी, ब्रेन में जाएंगी। तो ये सारी नर्व्स जो हमारे सेंस ऑर्गन से ब्रेन को कनेक्ट हो रही हैं, इन्हें हम कहेंगे क्रैनल नर्व्स। सिंपल भाषा में बात करूँ तो ऐसी नर्व्स जो हमारे क्रेनियम के अंदर पाई जाती हैं उन्हें हम क्रैनल नर्व्स कहते हैं। दोज नर्व्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द क्रेनियम आर टर्म्ड एज क्रैनल नर्व्स। तो यहाँ पर क्रैनल नर्व्स की संख्या कितनी है, दीज आर 10 पेयर्स, ये 10 जोड़ी होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ओनली इंटरनल ईयर इज प्रेजेंट। अब आपको बता दूं कि जो हम लोगों का ईयर है, मैमल्स का ईयर है, उसमें क्या होता है, ईयर तीन पार्ट्स में बटा है। ये जो बाहर आपको दिख रहा है दैट इज द एक्सटर्नल ईयर, बाह्य कर्ण। इसके अंदर होता है मिडिल ईयर यानी मध्य कर्ण, और सबसे अंदर की तरफ होता है इंटरनल ईयर यानी कि अंतःकर्ण। तो फिशेज में ऐसा कुछ भी बाहर नहीं दिख रहा है, मतलब कोई एक्सटर्नल ईयर तो नहीं है, साथ ही साथ मिडिल ईयर भी नहीं है, और केवल क्या पाया जा रहा है, इंटरनल ईयर पाया जा रहा है, अंतःकर्ण पाया जा रहा है। तो आपने लिखा कि ओनली इंटरनल ईयर इज प्रेजेंट, एक्सटर्नल एंड मिडिल ईयर इज एब्सेंट। ना तो एक्सटर्नल ईयर है, बाह्य कर्ण भी नहीं है, और मिडिल ईयर यानी मध्य कर्ण भी नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट इज लेटरल लाइन रिसेप्टर प्रेजेंट, लेटरल लाइन रिसेप्टर, समझिए इस बात को। आप यहां पर देख सकते हो मैंने एक डायग्राम बनाया है, और इसमें अगर आप गौर करो तो आपको एक लाइन सी मैंने डॉटेड यहां पर दिखाई है। दिस लाइन इज नोन एज लेटरल लाइन रिसेप्टर। अब ये क्या है, ये एक प्रकार का सेंसरी ऑर्गन है, संवेदी अंग है। जब फिशेस पानी में तैर रही होती हैं उस वक्त ये जो लेटरल लाइन है, इसके नीचे भी कुछ ऑर्गन्स होते हैं जिनकी डिटेल मैं आगे बीएससी के लेक्चर्स में बताऊंगा, अभी सिंपल हम जान रहे हैं यहाँ पर जनरल कैरेक्टर्स को। तो ये जो लेटरल लाइन पाई जाती है फिशेस में, ये आसपास की जो सेंसेस होते हैं उनका ज्ञान कराती है, मतलब ये एक सेंसरी ऑर्गन की तरह काम करती है, तैरते समय फिशेस को महसूस कराने का काम करती है। तो ये एक प्रकार का सेंसरी ऑर्गन यानी रिसेप्टर ऑर्गन होता है। तो दैट इज लेटरल लाइन रिसेप्टर इज प्रेजेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज दे आर यूनिसेक्सुअल, मेल अलग है फीमेल अलग है फिशेज में, तो मेल फीमेल अलग अलग होने से एनिमल कैसा कहलाएगा, यूनिसेक्सुअल, एक लिंगी। फर्टिलाइजेशन इंटरनल और एक्सटर्नल, निषेचन यानी जो फर्टिलाइजेशन होता है अगर वो बॉडी के बाहर हो रहा है, पानी में हो रहा है, तो हम कहते हैं कि ये एक्सटर्नल है, लेकिन अगर बॉडी के अंदर हो रहा है तो हम कहते हैं ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। तो यहाँ पर फिशेज में दोनों कंडीशंस होती हैं, कुछ में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है और कुछ में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इसके बाद हम बात करेंगे अगले पॉइंट की, दैट इज ओवीपेरस और वीवीपेरस। नाउ ये टर्म्स भी पहली बार आए हैं, ओवीपेरस हिंदी में कहेंगे अंडज। ऐसी फिशेज जो अंडा देती हैं उन्हें कहते हैं ओवीपेरस, और ऐसे फिशेज जो बच्चे देती हैं उन्हें हम कहते हैं विवीपेरस या जरायुज। तो जनरली हमेशा फिशेज ओवीपेरस ही होती हैं, बट कुछ एक्सेप्शंस हैं, अपवाद हैं, जिनमें फिशेज कैसी हो सकती हैं, विवीपेरस भी हो सकती हैं। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट डायरेक्ट। हम कई बार बात कर चुके हैं कि जो लार्वा जो एग से बच्चा निकलेगा बाहर, अगर वो एडल्ट के जैसा है तो हम कहेंगे कि वो केवल आकार में बड़ा हो जाएगा और डेवलपमेंट कैसा कहलाएगा, डायरेक्ट। लेकिन अगर अंडे से बाहर आने वाला लार्वा है वो अपना फॉर्म बदलेगा फिर एडल्ट पे बदलेगा, तो हम कहेंगे डेवलपमेंट कैसा हुआ, इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है यानी कोई भी लार्वा यहाँ पर नहीं पाया जाएगा, तो नो लार्वल स्टेज। नेक्स्ट है कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड का मतलब होगा ठंडे रुधिर वाले, हिंदी में कहें तो असमतापी, इसी को बायोलॉजी में बोलते हैं पाइकिलोथर्म। तो ये कोल्ड ब्लडेड है यानी असमतापी है। कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या है कि ऐसे एनिमल्स जो अपनी बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को, आंतरिक तापमान को कांस्टेंट नहीं रख पाते, स्थिर नहीं रख पाते, उन्हें हम कहते हैं असमतापी। इनके बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, इसलिए ये समान ताप वाले नहीं हैं, हम इन्हें असमतापी, कोल्ड ब्लडेड या पाइकिलोथर्म के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट इज ये लास्ट पॉइंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है समझने वाली, माइग्रेशन अकर्स इन फिशेज। अब फिशेज में क्या होता है, माइग्रेशन पाया जाता है। नाउ माइग्रेशन का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कोई फिश है जो समुद्र में पाई जा रही है, सी वाटर में पाई जा रही है, और वो अपने ब्रीडिंग करने के लिए, जनन करने के लिए वहां से हजारों मील का सफर तय करके आ जाए कहीं पर नदी में, फ्रेश वाटर में, अपने जनन के लिए, जनन के बाद वो फिर से वापस चली जाए, तो ये क्या है, इसका माइग्रेशन है। तो फिशेस का अपने जन्म स्थान को छोड़कर जनन करने के लिए, ब्रीडिंग पर्पस के लिए कहीं पर जाना कहलाता है माइग्रेशन। ये कुछ किलोमीटर्स से लेकर 1000 किलोमीटर्स तक भी हो सकता है।
अब माइग्रेशन दो तरह का होता है, याद रखें। पहला है कैटाड्रोमस माइग्रेशन और दूसरा है एनाड्रोमस माइग्रेशन। अब डिफरेंस क्या है दोनों में? अगर माइग्रेशन फ्रेश वाटर से समुद्र की तरफ हो रहा है, फ्रेश वाटर टू सी, मतलब कोई फिश है जो नदी में पाई जाती है और वो जा रही है कहाँ पर? समुद्र में माइग्रेशन करके, तो ऐसे माइग्रेशन को हम क्या कहेंगे? कैटाड्रोमस माइग्रेशन। इसका एक एग्जाम्पल भी है एंगुला, एक फिश होती है जिसे हम एंगुला ईल के नाम से जानते हैं, ये इसी टाइप का कैटाड्रोमस माइग्रेशन करती है। सेकेंड है एनाड्रोमस माइग्रेशन। एनाड्रोमस माइग्रेशन क्या होता है? ऐसा माइग्रेशन सी टू द फ्रेश वाटर, जो समुद्र से फ्रेश वाटर, मतलब अगर कोई मछली समुद्र में रह रही है और वो फ्रेश वाटर में नदी की तरफ माइग्रेशन करे, तो ऐसे माइग्रेशन को हम कहेंगे एनाड्रोमस माइग्रेशन। तो कैटाड्रोमस और एनाड्रोमस, यहाँ पर भी एग्जाम्पल हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा बहुत ही फेमस फिश होती है सॉल्मन। सॉल्मन फिश कौन सा माइग्रेशन करती है? एनाड्रोमस करती है। और ऐसे ही एक फिश होती है हिल्सा, वो भी कौन सा माइग्रेशन करती है? एनाड्रोमस माइग्रेशन करती है। तो ये थे हमारे इंट्रोडक्शन और जनरल कैरेक्टर्स। अब हम पहले बात कर लेते हैं इस डायग्राम की और फिर हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की। तो चलिए डायग्राम में हम स्ट्रक्चर को समझते हैं। अभी अभी आपने जनरल कैरेक्टर्स में कई बातें समझ ली, फिर भी कुछ चीज़ें आप देख लीजिए। जैसे यहाँ पर बॉडी में सबसे आगे की तरफ आप हेड देख पा रहे हो, बीच में ट्रंक है और सबसे पीछे की तरफ टेल है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि हेड में अपर कोलम पाया जा रहा है, जिसे हम गिल कवर भी कहते हैं। और गिल कवर का काम क्या होता है? गिल्स को कवर करना। कई बार गिल कवर नहीं भी होता है तो गिल्स नेकेड होती हैं और कई बार अपर कोलम के द्वारा गिल्स ढकी होती हैं। इसके बाद कुछ फिन्स मैंने अभी आपको बताए थे, जैसे आगे की तरफ पेयर्ड पेक्टोरल फिन, उसके पीछे पैल्विक फिन्स। अब कुछ अनपेयर्ड फिन्स भी हैं, जैसे डॉर्सल फिन अनपेयर है, काउडल फिन जो पूंछ पर पाया जा रहा है उसमें भी कोई पेयर नहीं है, उसके अलावा एनल फिन भी पेयर्ड नहीं होता है। बॉडी के ऊपर एक लाइन आपको दिख रही है, जिसको मैंने अभी आपको बताया था, लेटरल लाइन रिसेप्टर है, जो कि सेंसरी ऑर्गन यानी संवेदी अंग की तरह काम करती है। अब एक पॉइंट मैंने यहाँ पर गलती से मुझसे मिस हो गया था, ये वाला मैं नहीं बता पाया आपको, चलिए इसकी बात कर लेते हैं। स्किन इज यूजुअली प्रोवाइडेड विद स्केल, ये बहुत ही खास पॉइंट था जो छूट गया, चलिए डिस्कस कर लिया जाए इसको। स्किन पर स्केल्स पाए जाते हैं। चलिए देखिए, आप देख पा रहे हो ये आपको इस तरीके से जो दिख रहे हैं फिशेज में, ये क्या होते हैं? दीज आर द स्केल्स। ये स्केल्स पाए जा रहे हैं, शल्क पाए जा रहे हैं। तो फिशेज की ये बहुत ही खास कैरेक्टर है कि इनके स्किन पर स्केल्स पाए जाते हैं। स्किन इज यूजुअली प्रोवाइड विद स्केल्स। कुछ ही ऐसी फिशेज, एक दो एक्सेप्शनली हैं, जिनकी बॉडी पर स्केल्स ना हो, वरना सभी फिशेज में स्केल्स ज़रूर होते हैं। और ये स्केल्स अलग अलग टाइप के होते हैं, इनके कुछ टाइप आपको यहाँ पर बताए गए हैं, जैसे प्लेक्वाइड स्केल, साइक्लॉइड स्केल, पेनोइड स्केल। ये स्केल्स के टाइप हैं, इन्हें मैं आपके बीएससी के लेक्चर में क्लियर करूंगा कि साइक्लॉइड स्केल कैसे होते हैं, टेनॉइड स्केल कैसे होते हैं, अभी फिलहाल आप याद कर लें। और एक सिंपल सी बात मैं आपको समझाने के लिए बता दूं कि जो स्केल बिल्कुल क्लियरली आपको ऊपर से विजिबल हो रहे हैं, जैसे रोहू के फिश में हैं, तो वो होते हैं साइक्लॉइड स्केल। ज़्यादातर बोनी फिशेज में आपको साइक्लॉइड स्केल मिलेंगे, ठीक है, आगे बात करेंगे अभी बोनी फिशेज क्या होती हैं। तो बॉडी पर स्केल्स पाए जा रहे हैं और जनरली स्केल्स के तीन टाइप आपको बताए गए, वैसे प्लेक्वाइड और भी होते हैं, प्लेक्वाइड, साइक्लॉइड और टेनॉइड। अब हम आते हैं यहाँ पर एक बार फिर से, तो आपने देखा कि रोहू में आपने कौन से टाइप के स्केल्स देखे, मैंने अभी आपको बताया कि ये साइक्लॉइड टाइप के स्केल्स होते हैं। तो ये बात हो गई रोहू की, जो कि हमारे इंडिया में फ्रेश वाटर फिश होती है। इसके बाद हम बात करेंगे फिशेस के क्लासिफिकेशन की। अब आप देखिए कि ये जो हमारा सुपर क्लास स्पाइसेस था, इसको हमने कुछ क्लासेस बांटा है। तो सुपर क्लास से छोटी यूनिट क्या हो गई? क्लासेस। इसके तीन क्लास होते हैं जिन पे मैं चर्चा करने वाला हूँ। नाम का प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आपको, बट आपको याद करना है एग्जाम के लिए, तो डेफिनेटली आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो चलिए मैं कोशिश करता हूँ आपको एक बार में समझ में आ जाए मेरी बात। पहला नाम है प्लैकोडर्मी, प्लैकोडर्मी। दूसरा नाम है कॉन्ट्रैक्टीज, कॉन्ट्रैक्टीज। और तीसरा नाम है ऑस्टिक्थीज, ऑस्टिक्थीज। तो थोड़े से डिफिकल्ट बोलने में लग रहे हैं, बट आप दो चार बार बोलोगे तो आपको आदत आ जाएगी। नाउ द प्लैकोडर्मी, जो पहला क्लास हमारा है, दैट इज प्लैकोडर्मी, इसके जितने भी मेंबर्स हैं वो ऑल एक्सटिंक्ट, सारे विलुप्त हो चुके हैं। यानी आज कोई भी मेंबर इस क्लास का नहीं बचा है, कोई भी फिश ऐसी नहीं बची है। नेक्स्ट इज फ्रेश वाटर। अब ये जो फिशेस थी वो फ्रेश वाटर में पाई जा रही थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहां पर, पहला एग्जाम्पल है कोकोस्टियस और दूसरा है क्लाइमेटियस। तो ये दो फिशेस के नाम आपको लिए गए, पहला कोकोस्टियस और दूसरा क्लाइमेटियस। ये दोनों फिशेस किस क्लास से बिलोंग करती थी? प्लैकोडर्मी से बिलोंग करती थी। अब हम आते हैं यहां पर
कॉन्ट्रैक्ट थीज और ऑस्टिक थीज पर। तो कुछ बेसिक बात मैं आपको बता दूं कि आज के टाइम में ज़्यादातर जो फिशेज हैं वो इन्हीं दोनों क्लासेस को बिलोंग कर रही हैं, और इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट थीज है इसमें आती हैं कार्टिलेजनस फिशेज, ऐसी फिशेज जिनका एंडोस्केलेटन किसका बना हो, कार्टिलेज का बना हो। और ऑस्टिक थीज में कैसी आती हैं, बोनी फिशेज आती हैं, यानी कि जिनमें जो एंडोस्केलेटन है वो बोनी हो, ओके, बोन से बना हो। तो चलिए देखते हैं इसको, पहले कॉन्ट्रैक्ट थीज की बात कर लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट थीज में पहली बात लिखी है कार्टिलेजनस फिशेज, कैसे फिशेज होती हैं, कार्टिलेजनस फिशेज होती हैं। ऑस्टिक थीज में क्या लिखा है, बोनी फिशेज होती हैं। मैं दोनों का कंपेयर भी साथ ही मैं आपको बता देता हूं, तो आप याद रखें, एग्जाम में पूछा जाता है। ये कॉन्ट्रैक्ट थीज में कैसी आएंगी, कार्टिलेजनस फिशेज आएंगी, और ऑस्टिक थीज में कैसे फिशेज आएंगी, बोनी फिशेज आएंगी। नेक्स्ट है मोस्टली मैराइन, जो कार्टिलेजनस फिशेज होती हैं जैसे शार्क वगैरह, ये ज्यादातर कैसी होती हैं, मैराइन होती हैं, समुद्र में पाई जाती हैं। और जो ऑस्टिक थीज की मेंबर्स हैं वो फ्रेश वाटर भी हैं और मैराइन भी हैं, समुद्र में भी होंगी और फ्रेश वाटर में भी पाई जाएंगी। इनकी बॉडी पर प्लेक्वाइड स्केल, अब आपको दिखाऊं मैं यहां पर, आप देख सकते हो ये मैंने जो डायग्राम बनाया हुआ है ये है स्कोलियोडॉन का, रफली सा बना दिया मैंने। तो आप देख सकते हो इसकी बॉडी पर इस तरीके के स्केल आपको नहीं दिख रहे हैं, ऐसे स्केल्स नहीं होते हैं, इसकी बॉडी पर बहुत ही छोटे छोटे स्केल्स होते हैं और वो स्केल्स कहलाते हैं प्लेक्वाइड स्केल्स। तो जितने भी कार्टिलेजनस फिशेज हैं जैसे मैंने स्कोलियोडॉन बनाई, वो कैसे स्केल्स रखती हैं अपनी बॉडी पर, प्लेक्वाइड स्केल्स रखती हैं। और आपकी जो बोनी फिशेज होती हैं इनकी बॉडी पर मुख्य रूप से तो साइक्लॉइड स्केल, मैंने अभी भी आपको बताया, उसके अलावा गैनॉइड स्केल या टेनॉइड स्केल, तीन टाइप के और भी स्केल हैं, किसी भी तरह के पाए जा सकते हैं, ओके। बट प्लेक्वाइड स्केल कार्टिलेजनस फिशेज की स्पेशलिटी है, विशेषता है, और ये बोनी फिशेज में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है ऑपरकुलम एब्सेंट, जैसे कि आप देख सकते थे यहाँ पर कार्टिलेजनस फिश मैंने बनाई, यहाँ पर कोई ऑपरकुलम आपको नहीं दिख रहा है, गिल कवर नहीं दिख रहा है, तो ऑपरकुलम एब्सेंट होता है। और यहाँ ऑपरकुलम या गिल कवर प्रेजेंट, आप देख सकते हैं यहाँ ये बोनी फिश बनी हुई है, रोहू हमारी बोनी फिश है, तो इस पर ऑपरकुलम पाया जा रहा है। अब लास्ट मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर बनाए हुए हैं, जैसे पहला है स्कोलोडॉन, जैसे मैंने यहाँ पर रफली ड्रॉ किया, दैट इज डॉग फिश, इसे स्कोलोडॉन भी कहते हैं। टॉर्पीडो, हम सभी जानते हैं एक फिश होती है टॉर्पीडो, जो कि इलेक्ट्रिक रे कहलाती है, विद्युत मछली कहलाती है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करती है, तो टॉर्पीडो भी इसी में आ गई। ट्राइगोन, ट्राइगोन भी इसी में आएगी। और लास्ट है आपकी प्रिस्टिस, यानी कि एक अन्य फिश है प्रिस्टिस, यहाँ पर मेरे पास एक फिश का स्पेसिमेन भी है जो कि है ट्राइगोन, मैं पास से दिखाता हूँ आपको। तो ये जो फिश आप देख पा रहे हो ये ट्राइगोन है, और यहाँ पर नाम भी लिखा हुआ है ट्राइगोन फिश, स्टिंग रे से सामान्य भाषा में बुलाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं ऑस्टिक थीज यानी बोनी फिशेस के एग्जांपल पर। तो पहला एग्जांपल तो रोहू है जो कि मैंने आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाया, उसके अलावा एक फिश होती है क्लारियस, जिसे हिंदी में हम मंगूर के नाम से जानते हैं। बाकी जितनी भी लंग फिशेज हैं, लंग फिशेज का मतलब ऐसी मछलियाँ जिनमें एयर ब्लडर्स पाए जाते हैं श्वसन करने के लिए, लंग्स जैसी स्ट्रक्चर्स होती हैं, उन्हें हम लंग फिशेस कहते हैं, और उन्हें फिशेस के एक स्पेशल ऑर्डर में रखा गया है, डिपनोई। ये सवाल आप याद कर लें, पूछा भी जाता है एग्जाम्स में कि लंग फिशेस किस ऑर्डर में आती हैं, तो आप याद कर लें कि लंग फिशेस ऑर्डर डिपनोई में आती हैं, और ऑर्डर डिपनोई क्या है, ऑस्टिक थीज का एक ऑर्डर है, ओके। अब लास्ट में लिखा है हिप्पोकैम्पस, जिसे हम सी हॉर्स के नाम से जानते हैं, इसका स्पेसिमेन भी मेरे पास है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये छोटा सा क्रिएचर होता है, दैट इज हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स। तो हिप्पोकैम्पस है समुद्री घोड़ा इसे आप बोलते हो, और ये एक्चुअली फिश होती है, घोड़ा नहीं है, क्योंकि इसमें सारे कैरेक्टर्स फिश वाले ही हैं, तो ये भी एग्जाम्पल है, और ये बोनी फिश में आती है, तो ये भी एक एग्जाम्पल हो गया किसका, आपका ऑस्टिक थीज का। तो ये था इसका क्लासिफिकेशन, जिसमें आपने जाना कि किस तरीके से क्लास पाइशस को हमने तीन अलग अलग क्लासेस में बांटा हुआ है। तो इस वीडियो में मैंने आपसे बात की इंट्रोडक्शन की, उसके बाद बात की जनरल कैरेक्टर्स की, फिर हमने एक आउटलाइन स्ट्रक्चर आपको समझाया लैबियोरोहिता यानी कि रोहू फिश का, जो कि इंडियन फ्रेश वाटर फिश होती है, बोनी फिश होती है, और लास्ट में आपको बताया गया क्लासिफिकेशन, जिसमें आपको प्लैकोडर्मी, कॉन्ट्रैक्ट थीज और ऑस्टिक थीज, ये तीन क्लास मैंने डिस्क्राइब किए, और साथ ही साथ मैंने दोनों का कॉन्ट्रैक्ट थीज और ऑस्टिक थीज का एक कंपैरिजन भी आपको बता दिया, जिससे आप इनके कैरेक्टर्स को भी अलग अलग समझ पाएंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगला वीडियो इसके बाद जो मैं लेकर आने वाला हूँ वो ठीक इसके बाद जो अगला क्लास हमारा है, दैट इज एम्फीबिया यानी कि उभयचर, फ्रॉग, टोड एक्सेट्रा, इनके बारे में मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।